यूपी में ऑपरेशन क्लीन लगातार जारी है। बाराबंकी में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस ने दो बदमाशों को गिरफ्तार किया। लोनी कटरा थाना क्षेत्र में मुठभेड़ हुई। शामली में पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान शातिर चोर जैद को गिरफ्तार कर लिया है। शामली जनपद में दो घरों में चोरी हुई थी, जिसे गिरफ्तार बदमाश ने अंजाम दिया था। शामली के गढ़ी पुख्ता थाना क्षेत्र का मामला है। इस अभियुक्त का जो है आपराधिक इतिहास जैद का लगभग आधा दर्जन अभियोग जो है चोरी के प्राप्त हुए हैं, और इसके जो अन्य जो है सहयोगी हैं, क्योंकि घटना जो है चोरी में अकेले कारित किया है, और इस इन असलहों को क्या करता, इस संबंध में विवेचना की जा रही है। गाजियाबाद में बाइक सवार बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया है। कार सवार किराना व्यापारी से 12 लाख रुपए की लूट हुई थी। वारदात दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे NH9 पर हुई। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाना क्षेत्र की यह घटना बताई गई। और अगली खबर अलीगढ़ से। यहां पर जीजा पर अपनी साली को घर में घुसकर चाकू मारने पर घायल करने का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि पत्नी छोड़कर कहीं चली गई तो जीजा ने साली पर जानलेवा हमला कर दिया। लड़की को जिला अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। गांधी पार्क थाना इलाके का यह मामला है। शाहजहांपुर में नाबालिग लड़की से रेप के आरोपी अवधेश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। कलान थाना क्षेत्र का यह मामला है। आरोपी है कि बरेली बस अड्डे से आरोपी अवधेश ने लड़की को बहला फुसला कर ले गया और लड़की के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया है। सोनभद्र में तकनीकी खराबी से ओबरा की चार यूनिट बंद हो गई। ओबरा की चार यूनिट बंद होने की वजह से बिजली संकट गहरा गया है। तीन दिनों के भीतर दूसरी बार ओबरा बी तापीय परियोजना की चार यूनिट बंद हुई है। 200 मेगावाट क्षमता की तीन यूनिट तकनीकी खराबी की वजह से बंद हुई। वहीं 10वीं, 12वीं और 13वीं यूनिट भी तकनीकी खराबी की वजह से बंद हुई, जबकि परियोजना की 9वीं यूनिट पहले से ही बंद चल रही थी। चार यूनिट बंद होने से बिजली उत्पादन प्रभावित हुआ। परियोजना का बिजली उत्पादन 150 मेगावाट से भी कम हो गया है, जिसकी वजह से प्रदेश के कई हिस्सों में बिजली की आपात कटौती करनी पड़ रही है। सोनभद्र में NCL परियोजना की लापरवाही से दर्जनों घरों में पानी और मलबा घुस गया। पानी और ओबी का मलबा आने की वजह से गांव में भगदड़ मच गई। लोग अपने घर छोड़कर भाग गए। मामला खड़िया गांव की खंडिया कोल माइंस कॉलोनी का बताया गया। मुरादाबाद में दो सगे भाइयों के शव तालाब में तैरते हुए पाए गए। दोनों भाई घर से खेलने के लिए निकले थे। 10 साल के जैद और 12 साल के फैज की तालाब में डूबने से मौत हो गई। ईंट भट्टे की खुदाई से खाली जमीन पर तालाब बन गया है। घटना कोतवाली बिलारी इलाके के रुस्तम नगर सहसपुर ईंट भट्टे की है। ईंट भट्टे की खुदाई से बने तालाब में ये तीसरी घटना बताई गई।